हेलो टू ऑल माय ब्रदर्स सिस्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सलीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद सलीम। तो अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे गेहूँ की फसल किया जाता है। तो अभी आपके घर पे जो आटा मिलता है वो इसी गेहूँ से बनता है। तो इस गेहूँ को पकने में लगभग 4 से 5 महीने लगता है और कटने में 5 महीने के बाद इसको अच्छे से काटा जा सकता है। तो इसको किस तरह से काटा जाता है और इसको काटने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है, मैं आपको पूरी वीडियो में डिटेल्स दिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए छोटी बात है पर इससे हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो आप देख सकते हैं एक बार, ये जो गेहूँ है ये कुछ इस तरीके का मिलता है। ये देखिए आप, ये जो गेहूँ है अभी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका है। अभी मैं खड़ा हूँ गेहूँ की फसल पे। तो इसी को काटने के बाद जो आटा मिलता है वो हमको घर पे खाने के लिए जो आटा मिलता है वो इसी गेहूँ से काटने के बाद और जो थ्रेशर के में पीसने के बाद उसको उससे हमें आटा मिलता है। तो अभी हमारे साथ है आंटी जी, जो अभी गेहूँ की कटाई करे। तो आंटी हमको बताएंगे कि गेहूँ को काटने का तरीका किस तरह का होता है और गेहूँ को किसकी मदद से काटा जाता है और इसको काटने का सही महीना कौन सा है। तो आंटी थोड़ा हमको बताएंगे। अप्रैल में कटती है, मार्च में कट जाता है, जैसे फसल होती है वैसे काट देते हैं किसान। तो अभी अप्रैल में इस गेहूँ को काटा जाता है और काटने का जो औजार है वो भी थोड़ा सा दिखाएंगे, तो हम पकड़ सके। तो ये देखिए गेहूँ के काटने का जो औजार है उसमें धारदार में थोड़ा सा आरी जैसा कुछ दिख रहा है, वो है गेहूँ का दांत जो है उससे गेहूँ की फसल अच्छे से काटा जा सकता है। अब जो गेहूं है वो दिन के समय नहीं काटा जाता है, क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है किसानों को, और शाम के समय गेहूं को काट के इस तरह से गट्ठा किया जाता है, इस तरह से एक गुच्छा बना के बांध दिया जाता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से बांध दिया जाता है ताकि गेहूँ की जो फसल हो उसको निकालने में ताकि आसानी हो थ्रेसर की मदद से। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो अभी आप देख सकती है ये है थ्रेसर, जिससे गेहूं जो है उसको गेहूं के पौधे से अलग किया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से जो थ्रेसर है इसके ऊपर जो गेहूं है इसको इसके ऊपर डाल दिया जाता है, और इसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ जो है यहाँ से गेहूं निकल जाता है, यहाँ से इस जगह से गेहूँ जो है वो निकल के यहाँ पे इकट्ठा होता है, और यहाँ से जो है गेहूँ का जो वेस्ट होता है वो गेहूँ से निकला हुआ जो चारा वगैरह वो यहाँ से निकलता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये गांठ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गुच्छा किया गया है, गांठ किया हुआ है, ये जो गेहूँ है उसको उसके अंदर डालते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ से गेहूँ जो है वो यहाँ से निकलता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ से छन के जो गेहूँ है वो यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो गेहूँ का जो वेस्ट वगैरह जो भूसा वगैरह वो यहाँ से निकल के यहाँ पे इकट्ठा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, अभी तो ये बच्चा गेहूँ को इकट्ठा कर रहा है। और ये गेहूँ जो है इसको इस तरीके से जो इस तरह से इकट्ठा करके इसको बारी बारी लोग इसको मशीन में डालते हैं थ्रेशर में कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंबाइन है वो चालू हो चुका है, अच्छा इससे खेती किया जो मास प्रोडक्शन का जो खेती है वो इसी से किया जाता है। तो इसी कंबाइन की मदद से जो गेहूँ है उसको बड़े पैमाने पे उसको इकट्ठा किया जाता है,
और उसको बाद में ट्रैक्टर पे लाद दिया जाता है। अगर आपको गेहूँ ज्यादा से ज्यादा निकालना है, एक्स्ट्रा करना है, अपनी खेत से निकालना है, तो आप इस मशीन का कंबाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कंबाइन बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा है। अब कंबाइन से जो इकट्ठा किया गया हुआ जो गेहूं है इसको आप इस पाव में रखा इकट्ठा किया जाएगा कुछ इस तरीके से।